उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र में स्कूल संचालक के फीस के पैसे मांगने पर अभिभावक ने मास्टर की जमकर धुनाई कर डाली, जिसके बाद घायल मास्टर ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी अभिभावक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि स्कूल संचालक सचिन शर्मा का दीपचंद पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल है। स्कूल संचालक मास्टर का आरोप है कि नगर निवासी फैजान अपने बच्चे को उसके स्कूल में लगभग 1.5 साल से पढ़ाई करा रहा है। फीस मांगने पर 1-2 दिन का वादा कर लेता है। ऐसे ही वादे में लगभग 1.5 साल गुजर चुका है। जैसे स्कूल संचालक फैजान के घर फीस मांगने के लिए गया तो मास्टर की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल मास्टर ने किसी तरह बचकर अपना मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर दी। पुलिस स्कूल संचालक की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है। मेरा विद्यालय में एक अभिभावक से झगड़ा हो गया था फीस के ऊपर, उसने मेरे साथ मारपिटाई की है और रिपोर्ट कराने के लिए 8,000 रुपये। कितने दिन से बच्चे पढ़ रहे थे उसके? 2 साल हो गए। कब का मामला है ये? अभी आज सुबह। क्या आश्वासन मिला है थाना से? आश्वासन ऐसा सामने दिया कि मैं उसकी तहरीर दे दिया, आपने उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।